तो रिकॉल अगर मैं करता हूँ प्रीवियस बात को, तो कुछ इस तरीके से था हमारे पास अभी तक मामला कि इफ यू हैव द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये कहलाएगा कैपिटल टी, और अगर मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ये कहलाएगा वेवलेंथ, और ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास ट्रांसवर्स वेव को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय यूजिंग द वेव फ्रंट्स। और वेव फ्रंट्स पे जैसे मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ये वेव फ्रंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बोले तो लैम्डा है, या फिर अगर टाइम बोले तो टाइम पीरियड है, और उसको हम डायरेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। ये तरीका होता है वेव्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करने का, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेव। देखिए बेटा, यहाँ तक की बात मैंने आपसे लास्ट टाइम तक कर ली थी। अच्छा, इससे आगे अगर मैं बढ़ाता हूँ आज बात को, तो कुछ इस तरीके का सीन था कि लेट सपोज आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, अच्छा बेटा देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स को पढ़ने से पहले हमारे पास जो है वो एक चीज जो पता होनी चाहिए, दैट इज बेसिकली रिपल टैंक। रिपल टैंक के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। अच्छा आप देखें, फॉर एग्जाम्पल रिपल टैंक, मैं उसकी एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, मैं इतना बेहतर उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। डायग्राम ऑफ रिपल टैंक, अच्छा जी, डायग्राम ऑफ रिपल टैंक, डायग्राम ऑफ रिपल टैंक सर्च करता हूँ उसमें। अच्छा देखिए, ये एक बेस्ट पॉसिबल डायग्राम है, मगर इससे सारा शायद शायद उससे ज़्यादा बेहतर ये बन सकती है हमारे पास। ये रिपल टैंक की डायग्राम है, ये डायग्राम है रिपल टैंक की। अच्छा अब ये जो डायग्राम है आपके पास, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें इसमें साफ नज़र आ रही होंगी क्लियर, कि ये जो है हमारे पास रिपल टैंक के अंदर, एक तो शैलो टैंक होता है हमारे पास रिपल टैंक में, ये यहाँ पे ले आया हूँ मैं अपने पास डायग्राम को। ठीक है, तो ये डायग्राम है रिपल टैंक की। अच्छा रिपल टैंक की डायग्राम में अगर आप गौर से देखें, तो एक तो हमारे पास ये लैंप होता है, सोर्स होती है ऊपर यहाँ पे टॉप पे लैंप है कोई इस जगह पे। अच्छा, और ये आपके पास वाटर होता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाइब्रेशन जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाइब्रेशन जनरेटर क्या करता है, ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। अच्छा जब ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, तो आपके टैंक के अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से, आपके टैंक के अंदर यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके से।
इस तरह से यहाँ पे वेव्स बनने लगेंगी, ठीक है। तो अब ये जो शेडो आ रहा है ना वेव्स का, ऊपर से लाइट इस पे फॉल कर रही है, यहाँ से लाइट फॉल कर रही है इस पे। तो जब लाइट आपके पास इधर टैंक में फॉल करती है जिसमें वेव्स बन रही है, तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव का पैटर्न नजर आने लग जाता है नीचे इन दी फॉर्म्स ऑफ वेव फ्रंट। देखिए ये रिपल टैंक है, और इस रिपल टैंक के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जब ये वाइब्रेटिंग सोर्स अप एंड डाउन मूव करती है इस तरीके से, जब ये वाइब्रेटिंग सोर्स इस तरीके से मूव करती है अप एंड डाउन, तो होता यह है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक ये रिपल टैंक जो है वो इसमें वेव्स बनना शुरू हो जाती है इस तरीके से। ये जो वेव्स इसके अंदर फॉर्म हो रही है रिपल टैंक में, ये वेव्स आपको नजर आती है नीचे वेव फ्रंट की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं रिपल टैंक के बारे में, रिपल टैंक के बारे में मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि रिपल टैंक इज द वेव, इज द डिवाइस, रिपल टैंक इज द डिवाइस विच इज यूज टू स्टडी विच इज यूज टू स्टडी वेव्स, ठीक है, वेव्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है। यानी इसमें ये हो रहा है कि टैंक हैज वाटर वेव्स विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन किसको कह रहा हूँ, ये जो नीचे रखा हुआ है ना इसको स्क्रीन बोलते हैं। ये कोई भी पेपर है या कोई भी शीट है, ये स्क्रीन नीचे रखी हुई होती है, ठीक है। तो टैंक हैज वाटर वेव्स विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एज ए वेव फ्रंट्स। अच्छा इसमें होता क्या क्या है, रिपल टैंक में टैंक होता है, टैंक विद ग्लास बॉटम, मतलब टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ये जो उसकी बॉटम है, टैंक विद ट्रांसपेरेंट बॉटम, अच्छा एक तो ये होता है। दूसरी चीज इसमें वाइब्रेटिंग सोर्स विद मोटर या वाइब्रेशन जनरेटर विथ मोटर, ये लाजमी होना चाहिए इसमें। और इसमें स्क्रीन होती है, और इसके अंदर जो है वो एक लाइट सोर्स होती है, मतलब लाइट ऊपर से आप इसे फॉल करते हैं लाइट सोर्स होती है। देखिएगा जरा अपने पास, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अगर रिपल टैंक का डायग्राम आता है आपके पास बनाने के लिए अक्सर, तो रिपल टैंक में आपने नॉर्मली तो खैर आप जब इसको डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे तो आप इतना बेहतर तो नहीं बना सकते, तो इसकी हैंडमेड डायग्राम बड़ी इजी सी आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे आपने जो है वो इसमें एक टैंक शो किया इस तरह का, इस तरह से आपने एक टैंक शो कर दिया, ठीक है। अच्छा ये टैंक हो गया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आपने शो किया कि किसी स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है जी। इसके नीचे यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई होती है टैंक के नीचे, और यहाँ पर आपके पास कोई वाइब्रेटिंग सोर्स प्लस मोटर होता है, वाइब्रेटर प्लस मोटर, और यहाँ पे टॉप पे आपके पास इसमें एक लैंप होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो आप इसको जल्दी में शो कर सकते हैं कि ये टैंक है, और टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है ये ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है, पहले रिपल टैंक के बारे में बताएं कि अगर इसमें कोई सवाल है तो अपना पूछे, वैसे तो सीधी सीधी सी बात है इसमें। देखिए ईमान क्लियर है बिलाल, आप भी बताएं जुनैद, ठीक है यहाँ तक की बात।
ओके ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा अब देखें, अब इसमें हमने करना क्या है कि अगर इसी टैंक में आप एक काम ये करें कि ये जो रिपिल टैंक है ना बेटा, रिपिल टैंक में आप एक काम ये करें कि यहाँ से आप एक वाइब्रेटिंग सोर्स लगाएं और ये पानी की वेव्स इसमें बनने लगे, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ से वेव्स जाके इस पर टकराएंगी, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट वेव। और वेव फिर टकरा के बाउंस बैक करेगी, वापस जाएगी उसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब अगर हमारे पास ये वाइब्रेटिंग सोर्स है तो इसके अंदर, टैंक के अंदर हम लोग ये रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म भी हो रहा होगा कि एक तरफ से वेव टकरा के दूसरी तरफ वापस आ रही होगी, तो हम लोग जो है वो वेव को, क्योंकि हमें पता है कि हम वेव को वेव फ्रंट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, तो ये सेम चीज अगर मैं यहाँ पर डिपिक्ट करने लगूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे आके इसके ऊपर हाँ भाई ये क्या टकरा रहे हैं, इसके ऊपर आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके कुछ टकरा रहा है, ये सपोज कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आके यहाँ पे हिट कर रही है, और ये एक दो ठीक है जी, तो ये इंसिडेंट रे हमारे पास जो है वो इस सरफेस पे आके यहाँ पे हिट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ये, और ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये आपके कहलाएंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। अच्छा यहां से लेके यहां तक की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, यहां से लेके यहां तक की वेवलेंथ लैम्डा है, इसको मैं लैम्डा वन कह देता हूँ। अच्छा ये जिस स्पीड से आगे वेव फ्रंट इस पर टकरा रहे हैं इसको मैंने वी वन कह दिया, और जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन है। अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वेव फ्रंट टकराएंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट हो सारी जाएंगे। डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी लेकिन वो सेम रहेंगे, जो दरमियाना वाला हिस्सा है ना। अच्छा, देखिए मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे, मैंने सबसे पहले तो मुझे एक ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, इस लाइन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल के बारे में मैं ये बता दूं कि नॉर्मल होता ये है कि नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा आप देखें ये जो ये एंगल बन रहा है ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरम्यान में, इसको आई एंगल बोलते हैं, तो आई या एंगल आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अच्छा अब देखें ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये हमने बनाया था वी वन बोला था इसको, ये इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा अब देखिए हो क्या रहा है कि ये नॉर्मल है, ये हमारे पास लैम्डा वन है। अच्छा लैम्डा वन का मतलब क्या होगा, लैम्डा वन का मतलब हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट वेव फ्रंट्स।
अच्छा, V1 का मतलब होता है स्पीड ऑफ, V1 का मतलब मैंने बोला है स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, WF का मतलब वेव फ्रंट लिख रहा हूं, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो सब चीजें इंसिडेंट वेव फ्रंट्स की हमने यहाँ पे शो कर दी। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे हिबा भी आप बोल रहे थे कि ये यहाँ से टकरा के यहाँ पे, जुनैर आप भी लिख रहे थे कि ये बाउंस बैक कर जाएंगे ऐसे। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन गया, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, और इसके ऊपर जो है वो मेरे पास ये आ जाएंगे वेव फ्रंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास वेव फ्रंट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसको नॉर्मली बोला जाता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, और इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का जो लैम्डा है वो भी वो होगा λ2, इसकी स्पीड होगी v2 और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी f2। मगर याद रखिएगा आपके पास v1 और v2 हमेशा बराबर होते हैं, और λ1 और λ2 भी हमेशा बराबर होते हैं, f1 और f2 भी हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ऑल पैरामीटर्स आर सेम, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड, ऑल पैरामीटर्स आर सेम, ऑल पैरामीटर्स आर सेम, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें। एग्जैक्टली सर, एम्पलीट्यूड चेंज होता है? नहीं यार, कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होता इसके अंदर। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस मैकेनिज्म को कह रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लिए आपका इंसिडेंट एंगल लाजमी बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, याद रखिएगा, दे मस्ट बी सेम, दे मस्ट बी सेम, इनका लाजमी सेम होना जरूरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम ना हो। अच्छा, अब देखें आगे मैं इसका, पहले तो हाँ पहले रिफ्रैक्शन पढ़ा दूं, फिर इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ थोड़े से। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे पानी की कोई डेप्थ बन रही है, मतलब ऐसा है कि पानी की डेप्थ में कोई चेंज आ रहा है या एक जैसी डेप्थ है इसमें टैंक में? नो चेंज ना, मतलब देखिए थ्रू आउट द टैंक जो है वो वाटर की सेम डेप्थ है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हेयर डेप्थ ऑफ वाटर इज सेम, डेप्थ ऑफ वाटर इज सेम, सेम डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई टैंक है, सर लॉन्गिट्यूडनल वेव से बाद में चलेंगे। हाँ, एग्जैक्टली पहले मैं ये कराऊंगा, ये तो डेफिनेटली, तो अभी इसमें हमारा नया टॉपिक भी एक ऐड हुआ है, इसको हम डायफ्रेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब देखें ये टैंक के अंदर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, सॉलिड ब्लॉक। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि क्या इस वक्त अगर हमारे पास कोई वाइब्रेटिंग सोर्स काम कर रही है, तो क्या इसमें पानी की दो अलग अलग डेप्थ बनेगी या नहीं बनेगी? अलग हाँ बेटा, सारे देखें जरा, आप लोग सब देखें क्या इसमें पानी की दो अलग अलग डेप्थ है, अगर मैं टैंक के एक साइड पे कोई सॉलिड ब्लॉक रख दूं। अगर मैं टैंक के एक साइड पे कोई सॉलिड ब्लॉक रख दूं, तो क्या इसमें पानी की दो अलग अलग डेप्थ बन गई?
एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा क्या? वो अभी अभी देखते तो हैं। पहले तो अगर हम ये देखें कि क्या यहाँ पे पानी की दो डेप्थ बन रही है, नहीं बन रही। आप ये देखें यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसको मैं बोलूंगा डीप रीजन, इसको मैं बोलूंगा डीप रीजन। डीप रीजन का मतलब ये कि वाटर हैज मोर डेप्थ, वाटर की डेप्थ ज्यादा है, और ये जो ब्लॉक के ऊपर है ना इसको हम बोलेंगे शैलो रीजन, इसको हम लोग बोलेंगे शैलो रीजन, और वेयर वाटर हैज लेस डेप्थ। ठीक है, वेयर वाटर हैज लेस डेप्थ। ठीक है, अच्छा अब देखिए हो क्या रहा है। एक बात याद रखिएगा कि वी डी का मतलब होता है स्पीड ऑफ डीप रीजन, यानी के जो वेव फ्रंट्स आपके डीप रीजन में उनकी स्पीड को हम लोग वी डी बोलेंगे, और लैम्डा डी का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ डीप रीजन, और एफ डी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप रीजन। ठीक है जी, अच्छा अब देखें ये जो है ना शैलो रीजन, शैलो रीजन के अंदर जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे वी एस, यानी के स्पीड ऑफ शैलो रीजन, स्पीड ऑफ शैलो रीजन, और लैम्डा एस को बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ शैलो रीजन, एफ एस को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ शैलो रीजन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपको बता दूं कि यहां पे डीप रीजन की जो स्पीड है, तो डीप रीजन की स्पीड अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, और लैम्डा डीप जो है वो 2 मीटर है, और अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लैम्डा एस जो है शैलो रीजन का जो सॉरी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे लैम्डा शैलो जो है वो 1 मीटर है। अच्छा अब आपको मैंने ये बताया होगा लाजमी कि आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ। आप मुझे डीप रीजन की फ्रीक्वेंसी निकाल के बता सकते हैं? बेटा आप मुझे डीप रीजन और शैलो रीजन की फ्रीक्वेंसी निकाल के बता सकते हैं? सर दोनों की 5 आ रही है, हर्ट्ज, देखिए बेटा 5 हर्ट्ज यही करेंगे ना हम लोग, इनकी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप निकालनी है तो स्पीड ऑफ डीप को लैम्डा ऑफ डीप से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10/2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप रीजन आ रहा है आपके पास 5 हर्ट्स। अच्छा अगर एफ एस निकालेंगे तो ये बराबर होगा किसके, वी एस अपॉन लैम्डा एस, यहां पर आ जाएगा 5/1, तो ये एफ एस की वैल्यू आएगी इसमें 5 हर्ट्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ शैलो के। अच्छा इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है कि बिकॉज वाइब्रेटिंग सोर्स इज सेम, मतलब डेफिनेटली चाहे शेलो रीजन की वेव्स हो या शेलो रीजन के अंदर वेव फ्रंट्स हो या डीप रीजन में हो, वाइब्रेटिंग सोर्स तो एक ही है पूरे टैंक में, बिकॉज वाइब्रेशन सोर्स इज सेम। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीप बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ शैलो के, तो स्पीड का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा डीप, और इसकी एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं ऐसे, और ये इक्वेशन आपको सर, हेल्प। अगर हमें तीन क्वांटिटीज दी है और अगर एक निकालनी है तो हमारे फॉर्मूले से निकालनी हाँ जी एग्जैक्टली, इसको रिफ्रैक्शन की इक्वेशन बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन इक्वेशन। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर मैं बीच में मैंने लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे डीप रीजन है और इस जगह पे लिखा मैंने कि मेरे पास शेलो रीजन है, तो जब भी आपके वेव फ्रंट्स, जब भी आपके वेव फ्रंट्स डीप रीजन से शेलो रीजन में एंटर होते हैं तो उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, वेवलेंथ रिड्यूसेस स्पीड, रिड्यूसेस सर। अगर ये बनाने को आ जाए तो हम वो तो वेवलेंथ तो हम डिक्रीज कर देंगे, लाइनों को करीब कर देंगे, लेकिन फिर हम उसकी डायरेक्शन को क्या लिख देंगे? क्यूब असल में अभी तो वर्ड्स मैं से अभी, नॉर्मल वेव हाँ के बेटा देखें अभी मैं उसकी होंगे। जो एक्चुअल डायग्राम है ना कि हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा है इसमें, वो हम थोड़ा सा इसको अभी हल्का सा टॉपिक को चलने दें, फिर उसके बाद बात करूंगा। अभी तो मैंने इसको सीधा सीधा फॉल किया है, तो बस हुआ क्या है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, बस मैंने क्या किया कि इसके वेवलेंथ को थोड़ा सा रिलेटिवली मैंने इसमें क्लोज कर दिया, बस यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा थी और यहाँ पे वेवलेंथ मैंने थोड़ी सी कम कर दी। ठीक है लैम्डा डीप है और ये लैम्डा शैलो है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि लैम्डा डीप हमेशा लैम्डा शेलो से बड़ा होता है, स्पीड ऑफ डीप हमेशा स्पीड ऑफ शेलो से बड़ी होती है। ठीक है जी, ऑलवेज हमेशा ऐसे ही होगा, मगर एक बात और भी याद रखिएगा कि हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो डीप और शेलो की बराबर होगी। ये से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास रिफ्रैक्शन के। देखिए यहां तक की बात क्लियर है आपको, आप लोगों को सबको? हाँ भाई जरा बताइएगा, ईमान आपको क्लियर है, किंजा आपको क्लियर है? चलें जी अब आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन वगैरह बताता हूँ। अच्छा बेटा इसके कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको,
वेव्स से रिलेटेड। अच्छा बेटे ये सवाल जरा आप लोग पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग, क्या आपसे होता है या नहीं होता। हाँ भाई क्या करेंगे इसमें, ये डीप रीजन लग रहा होगा आपको शायद, और ये वाला रीजन शैलो है। सर वी डी अपॉन लैम्डा डी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन लैम्डा एस। अब फिर हाँ हम बिल्कुल, डीप वाले इसको में रखेंगे, बेटा इस फॉर्मूले थ्री को लगाएं, रखेंगे। सारे इस वाली इक्वेशन को इक्वेट करके देखें, इसी से आंसर बनेगा। सर बी शायद। अच्छा जी हाँ भाई, क्या आ रहा है इसका आंसर बिलाल? बी आ रहा है। तो आपने यहाँ की असल में स्पीड भी पता है ना हमें, तो डीप रीजन की स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है 12, तो 12 और लेंथ को रखेंगे 3 और वी एस को रखेंगे वी एस और लैम्डा एस को रखेंगे 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी आंसर आ रहा है इसका, तो ये इस तरीके से होगा भाई सॉल्व। अच्छा जी एक बात है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बहुत अजीब सी एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी पोजीशन है जो मैंने मार्क की है, ये डॉटेड लाइन्स है, तो क्या कहते हैं इस पोजीशन को? मीन पोजीशन। इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा मेन पोजीशन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, मगर जहां पे एक बात बस याद रखिएगा बेटा, मैं भी आपको कह रहा हूँ याद रखना है आपने, ठीक है इसको याद करें, क्या ये वेव जहां पे इंक्लाइन करती है ना, देखें वेव जहां पे ऊपर जा रही है वहां पे पार्टिकल डिक्लाइन करता है, और जहां पे वेव डिक्लाइन कर रही होती है, देखें यहां से लेके यहां तक वेव डिक्लाइन कर रही है, तो यहाँ पे पार्टिकल इंक्लाइन करता है। और अच्छा देखिए पीक पे जितने पार्टिकल होते हैं ना वो सारे रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि ऑसिलेट करते हुए ये अपनी पीक पोजीशन पे मोमेंटरली स्टॉप करते हैं। अच्छा मीन पोजीशन पे इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, तो जब वेव इंक्लाइन करेगी तो यहाँ पे पार्टिकल डिक्लाइन करेगा, और जब वेव डिक्लाइन करेगी तो पार्टिकल इंक्लाइन करेगा। आपने बस इतनी बात अपने पास याद रखनी है कि पीक पोजीशन पे पार्टिकल्स की स्पीड 0 होती है, आपने कुछ बातें याद रखनी है, पीक पोजीशन पे पार्टिकल्स की स्पीड 0 होती है और मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स की स्पीड मैक्सिमम होती है, तो जहां पे वेव इंक्लाइन करती है वहां पे पार्टिकल डिक्लाइन करता है, और यहाँ पे वेव डिक्लाइन करती है वहां पे पार्टिकल इंक्लाइन करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश करें।
आप दोबारा बताइए क्या था इंक्लाइन डिक्लाइन, कैसे ऊपर जा रही है, वेट बेटा के वो साथ मूव कर रही है। नहीं, बस ये बात याद रखा करें कि जहां पर वेव इंक्लाइन करती है ना, यानी जहां पे वेव ऊपर जाती है ऊपर जाती है वहां पे पार्टिकल डिक्लाइन करता है, और जहां पे वेव डिक्लाइन करती है वहां पे पार्टिकल इंक्लाइन करता है। इससे इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझ नहीं आएगा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस है ना ये कभी कभी इसके ऊपर आते तो हैं, खैर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मगर ये कॉन्सेप्ट के जब वेव इंक्लाइन कर रही है तो पार्टिकल क्यों डिक्लाइन कर रहा है, ये आपको जरा ऑनलाइन में समझ में बड़ा मुश्किल से आएगा। और वैसे भी इसके कॉन्सेप्ट को कभी नहीं पूछते कि वाई इट हैपनिंग, बट इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं फैक्ट बेस्ड, तो अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो ये आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। बेटा देखें इंक्लाइन कहाँ तक कर रही है वेव, ये देखें यहां से देखें यहां तक इस जगह तक, यानी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वेव इंक्लाइन कर रही है, और फिर बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक वेव डिक्लाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कि ए से लेके बी तक जब वेव इंक्लाइन कर रही है तो पी पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पी पार्टिकल क्या कर रहा होगा, डिक्लाइन कर रहा होगा, यानी कि नीचे मूव कर रहा होगा ऐसे। फिर यहाँ पे वेव डिक्लाइनिंग है, नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि क्यू पार्टिकल क्या कर रहा होगा, क्यू वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। इस तरीके से है भाई ये। सर अच्छे और क्वेश्चन है, ऐसे इस वाली शीट में तो एक ही है, बाकी इसके क्वेश्चंस आते हैं, आते तो हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बस जहन में होना चाहिए। तो क्यू जो है वो मूव अप, तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब होगा डी। हाँ बेटा इसका आंसर पी नहीं हो सकता, सॉरी बी नहीं हो सकता, पी विल मूव अप, इसका आंसर क्यू होगा, सॉरी क्यू विल मूव अप होगा। चलें आप लोग कॉल रिकनेक्ट करें जल्दी।